टाइप ऑफ इवेल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन के कितने प्रकार हैं। तो यहाँ पे मैंने थ्री टाइप्स लिखे हैं, ये तीन टाइप हैं मूल्यांकन के, यानी कि इवेल्यूएशन के तीन टाइप हैं। आप तीन प्रकार से मूल्यांकन को यूज़ कर सकते हो, मतलब इवेल्यूएशन प्रोसेस को यूज़ कर सकते हो थ्री टाइप से, ठीक है। उसके बाद आप क्या है, क्लासरूम में अगर आप किसी भी चीज़ का इवेल्यूएशन कर रहे हो या क्लासरूम से बाहर भी कर रहे हो, तो आपको टाइप्स पता होने चाहिए कि आप कहाँ पे कौन सा इवेल्यूएशन कर सकते हो, कहाँ पे कौन सा यूज़ कर सकते हो। हाँ, तो हमारे पास उसी से रिलेटेड यहाँ पे थ्री टाइप्स ऑफ इवेल्यूएशन होते हैं आपके। फर्स्ट होता है फॉर्मेटिव, सेकंड होता है समेटिव, और थर्ड होता है आपका डायग्नोसिस, ठीक है, यानी कि निदानात्मक। तो बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं पहले। फर्स्ट पॉइंट है हमारा फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन, जिसको हिंदी में निर्माणात्मक या रचनात्मक बोला जाता है। देखो, पहली बात तो एक चीज़ समझ लीजिए कि यहाँ पे मैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों का यूज़ कर रही हूँ, मैं इसलिए कर रही हूँ जो हिंदी वाले बच्चे भी हैं ना, तो वो हिंदी मतलब इन पॉइंट्स पे जो मेन पॉइंट्स होते हैं समझने के लिए, तो मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर ही रही हूँ कि होता क्या है। लेकिन आप लर्न करने के लिए कि कितने टाइप के इवेल्यूएशन होते हैं, आप मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि आप उसको इंग्लिश में ही पढ़ें, क्योंकि हिंदी में क्या है, उसके दो या तीन अर्थ होते हैं, मतलब अलग अलग मतलब नाम होते हैं। तो कभी भी आपसे कोई भी नाम पूछा जाएगा ना, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे ये क्या था। आप अगर निर्माणात्मक पढ़ के चले गए और आपसे एकदम पूछ लिया कि रचनात्मक के बारे में बताइए, जैसे ये है आपका समेटिव इवेल्यूएशन में योगात्मक, संकलात्मक और अंतिम मूल्यांकन बोलते हैं, तो आपको समेटिव इवेल्यूएशन इंग्लिश में पता है, लेकिन हिंदी में आपसे पूछ लिया कि अंतिम मूल्यांकन के बारे में बताइए, तो आप कैसे वहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट करोगे, आपको ये पता ही नहीं होगा कि अंतिम मूल्यांकन क्या है, क्योंकि हिंदी में आप दो या तीन नाम लर्न नहीं कर सकते हो ज़्यादा उसके, ठीक है। तो इसीलिए क्या कीजिए, यहाँ पे आप ना इंग्लिश में ही लर्न कीजिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फॉर्मेटिव, समेटिव और डायग्नोस्टिक, ठीक है, तो इनको इंग्लिश में ही याद कीजिए कि इवेल्यूएशन थ्री टाइप के होते हैं, फॉर्मेटिव, समेटिव और डायग्नोस्टिक। ये कौन कौन से होते हैं और इसमें क्या क्या किया जाता है वो तो मैं आपको यहाँ पे बताई दूंगी, तो आप ईजीली क्या है आंसर कर सकते हो। तो इसीलिए मेरे सजेशन के द्वारा आप ये हिंदी वाले जो नाम है उसको स्किप कर दीजिए, ठीक है, लेकिन मैंने लिख दिया है फिर भी। तो आपका फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन को क्या बोलते हैं हिंदी में, निर्माणात्मक और रचनात्मक मूल्यांकन, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन होता क्या है। देखो, फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन में क्या होता है कि फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन के थ्रू केवल एक पॉइंट पे ध्यान नहीं दिया जाता कि हमें सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड कुछ करना है, आपका क्या है ऑल ओवर ध्यान दिया जाता है, जिसके अंदर आपकी एजुकेशन भी आ गई, आपके फिजिकल्स भी आ गई, मतलब फिजिकली बॉडी आपकी कितनी फिट है कितनी नहीं है, यानी कि ऑल ओवर डेवलपमेंट हम कह सकते हैं कि एजुकेशन के साथ साथ आपके ऑल ओवर डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया जाता है कि आप मेंटली कितने स्ट्रांग हो, फिजिकली कितने स्ट्रांग हो और इमोशनली कितने स्ट्रांग हो, आपकी फीलिंग्स या फिर आप सोसाइटिकली कितने स्ट्रांग हो, क्या फीलिंग्स हैं आपकी, क्या आपकी लॉजिकल थिंकिंग है, क्या चीज़ है। तो आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन के थ्रू आपको एक तो टाइम टाइम पे फीडबैक मिलता रहता है, ठीक है। जो फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन है आपका, उसमें क्या होता है, आपको टाइम टाइम पे फीडबैक दिया जाता है कि मतलब अभी मैंने पढ़ाया, देन मैंने मान लीजिए अभी इससे पहले वाली में जो टॉपिक पढ़ाया कि टाइप्स बताए थे, या मैंने आपको करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड इवेल्यूएशन बताई थी कि वैलिडिटी, तो मैंने क्या किया उस पॉइंट को पढ़ा के देन आपसे क्वेश्चनिंग कर ली, तो वो क्या हो गया आपका फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन हो गया कि एकदम से टॉपिक पढ़ाया और एकदम से क्या किया क्वेश्चनिंग करके आपने इवेल्यूएशन कर ली, ठीक है, तो वो चीज़ हो गई आपकी फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन। और एक चीज़ ध्यान रखिए, फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन के अंदर केवल आपका एजुकेशन से रिलेटेड रिकॉर्ड नहीं देखा जाता, आपका ऑल ओवर डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है कि आपने ऑल ओवर क्या क्या अचीव किया है, आपकी एजुकेशन कैसी है, आप स्पोर्ट्स में कितना पार्ट करते हो, आप बाकी डिबेट्स में कितना पार्ट करते हो, डांस, म्यूज़िक, सिंगिंग में कितना पार्ट करते हो, प्लेज कितने करते हो, ठीक है, और स्पोर्ट्स में कितना पार्ट करते हो, ये सारी चीज़ें भी आपकी फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन के अंदर डाटा कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सेकंड पे बात करते हैं, सेकंड हमारा टाइप है समेटिव इवेल्यूएशन, यानी कि योगात्मक मूल्यांकन, संकलात्मक मूल्यांकन और लास्ट अंतिम मूल्यांकन, ठीक है।
समेटिव इवेल्यूशन में क्या होता है, केवल आपका एजुकेशन रिलेटेड होता है, मतलब इसके अंदर आपका ऑल ओवर जो डेवलपमेंट होता है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। आप स्पोर्ट्स में मेंटली, बाकी फिजिकली और इमोशनली, बाकी कितना भी कुछ अचीव कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, हमें मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इतना मतलब है कि हमने जो पार्ट पढ़ाया है, जो चैप्टर पढ़ाया है, वो आपको समझ आया या नहीं आया, उसमें आपने 10 में से 10 मार्क्स अचीव किए या नहीं किए, 10 में से 5 रह गए तो क्यों रह गए, तो ठीक है। तो इसमें समेटिव इवेल्यूएशन के अंदर क्या किया जाता है, केवल आपका एजुकेशनल रिकॉर्ड रखा जाता है कि आपको पूरे साल में एक बुक कंप्लीट करनी है, पूरी बुक की नॉलेज होनी है, तो वो आपको हुई या नहीं हुई, ठीक है। और समेटिव इवेल्यूएशन के अंदर बीच बीच में इवेल्यूएशन नहीं किया जाता, बीच बीच में कोई क्वेश्चनिंग नहीं की जाती, यूनिट टेस्ट नहीं किए जाते, कुछ नहीं किए जाते। समेटिव इवेल्यूएशन में क्या होता है, लास्ट में बिल्कुल जाके इवेल्यूएशन किया जाता है कि आपने आधी बुक पढ़ ली तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम ले लिए, फिर क्या है पूरी बुक का कंटेंट आपने पढ़ लिया तो आपके ईयरली एग्ज़ाम्स ले लिए, ठीक है। तो वो क्या होता है आपका समेटिव इवेल्यूएशन। उसके बाद आता है डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन, जिसको हिंदी में निदानात्मक मूल्यांकन बोलते हैं। अब निदान या डायग्नोस्टिक से आप समझ रहे हैं कि जब आप इवेल्यूएशन करेंगे, बच्चे को इवेल्यूएट करेंगे या टेक्निक्स को इवेल्यूएट करेंगे या किसी भी चीज़ को, तो आपको क्या पता चलेगा कि बच्चे ने वो कितनी अचीव की है। अब डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन तो आप फॉर्मेटिव के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आपको पता रहेगा कि बच्चे ने क्या किया, कि स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा, उसको और मेहनत की ज़रूरत है नहीं ज़रूरत, या मेंटली वो कहीं वीक है तो वहाँ पे उसके लिए रिमेडल कर सकते हैं, या किसी और सब्जेक्ट में कहीं पे वीक है वहाँ पे रिमेडल कर सकते हैं। तो ऐसी समेटिव में कि हाफ ईयरली में वो अच्छे मार्क्स अचीव नहीं कर रहा है, तो आप उस पर फोकस कर सकते हैं कि आपका ये वाला सब्जेक्ट कमज़ोर है तो यहाँ पर ध्यान दो, उसके बाद आप फाइनल ईयर्स में अच्छा रिजल्ट देख सकते हैं। तो डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन क्या होता है, जिसमें आपके आपको पहले डायग्नोस किया जाए, आपकी प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया जाए कि आपको कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है और किस किस चीज़ में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और फिर रिमेडल किया जा रहा है कि आप यहाँ पे इतनी मेहनत कीजिए, यहाँ पे ये टेक्निक्स यूज़ कीजिए या ये वाली चीज़ें यहाँ पे यूज़ कीजिए, ठीक है। वो होता है आपका डायग्नोस्टिक यानी कि निदानात्मक मूल्यांकन, जिसमें आप बच्चों का निदान करें, फाइंड आउट करें कि बच्चे एकेडमिकली कितने स्ट्रॉन्ग है, बच्चे वो नॉन एकेडमिकली कितना कर रहे हैं, अगर कहीं पे उनको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आपको उसको फाइंड आउट करना है, देन उसको रिमाइंडर्स देने हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इसमें जो हमारा इम्पॉर्टेंट है वो फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन और समेटिव इवेल्यूएशन है। डायग्नोस्टिक को आप इन दोनों में यूज़ कर सकते हैं, वो भी एक टाइप है। अब बात करते हैं फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन और समेटिव इवेल्यूएशन में डिफरेंस, मतलब आपका निर्माणात्मक और योगात्मक में क्या विभिन्नताएँ पाई जाती हैं। डिफरेंस ज़रूरी है जानना, क्योंकि जो आपके इम्पॉर्टेंट इवेल्यूएशन है यही दो हैं। अगर आपको इन दोनों के अंदर फ़र्क पता होगा तो अच्छे से बात कर पाओगे, अच्छे से इवेल्यूएट कर पाओगे, इनका यूज़ भी कर पाओगे एज अ टीचर, कि आपको कब कहाँ पे फॉर्मेटिव यूज़ करना है, कब कहाँ पे समेटिव यूज़ करना है, ठीक है। तो डिफरेंट बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है टाइम टू टाइम फीडबैक, यानी कि फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन में क्या होता है, आपको टाइम टू टाइम फीडबैक मिलता रहता है कि आपने एक टॉपिक पढ़ाया कि फैक्टर्स पढ़ा दिए, उससे रिलेटेड क्या किया, आपने बच्चों से 10 क्वेश्चन पूछ लिए या उनको होमवर्क में दे दिए, तो आपने वहाँ पे क्या किया, बच्चों को टाइम के टाइम इवेल्यूएट कर लिया। अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नेक्स्ट क्लास में उसको रिजॉल्व कर देंगे। देन आपने फैक्टर्स के बाद मान लीजिए बोर्ड मार्क्स पढ़ाया, तो उससे रिलेटेड भी आपने बच्चों को 10 क्वेश्चन होमवर्क में दे दिया या क्लासरूम में प्रेजेंट करवा लिया, तो वहाँ पे भी क्या हुआ, बच्चों को कोई प्रॉब्लम हुई तो देन आपने सॉल्व करवा दी, तो वो क्या हो गया आपका टाइम टू टाइम जहाँ पे फीडबैक मिल रहा है वो होता है आपका फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन। अब आता है फीडबैक यूज इन एंड, मतलब बिल्कुल लास्ट में जब आपको फीडबैक दिया जाता है, मतलब पूरे हाफ ईयरली, या आप मान लीजिए पूरा आपने 6 महीने की बुक कंप्लीट कर ली या पूरा एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया, फीडबैक के अंदर क्या होता है, सब टॉपिक को इवेल्यूएट कर सकते हो कि आप
परसेंटेज पढ़ रहे हो तो उसकी जितने फार्मूलेज है एक एक फार्मूले को आप इवेल्यूएट कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर फीडबैक में क्या, वो समेटिव में आप क्या करोगे, परसेंटेज का जब पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो आप उसको यूनिट टेस्ट के अकॉर्डिंग या फिर सरप्राइज टेस्ट के अकॉर्डिंग या हाफ ईयरली एग्जाम्स में आधी बुक और ईयरली एग्जाम्स में पूरी बुक का इवेल्यूएशन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है मिडल इन अ सेशन, मतलब इसका यूज़ आप कहाँ पे कर सकते हो, सेशन के बीच बीच में कर सकते हो, मतलब आप अगर पूरा एक सेशन है आपका, सेमेस्टर है, सत्र है, तो इसको आप यूनिट टेस्ट के अकॉर्डिंग हाफ ईयरली और ऐसे यूज़ कर सकते हो, लेकिन समेटिव क्या होता है आपका एट लास्ट इन अ सेशन में यूज़ होता है कि आपको बिल्कुल लास्ट में जब आप पूरी बुक पढ़ लोगे, पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लोगे, बिल्कुल लास्ट में ही इवेल्यूएट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है टेस्ट मेमोरी लेवल, यानी कि फॉर्मेटिव लेवल के अंदर, फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन के अंदर आपकी ये चीज़ टेस्ट की जाती है कि आपको जिस चीज़ का ज्ञान दिया जा रहा है, जिस चीज़ की लर्निंग करवाई जा रही है, उससे रिलेटेड आपने कितना ज्ञान ग्रहण किया है, मतलब कितनी नॉलेज आपने ली है, आपकी मेमोरी कितनी शार्प हुई, कितनी शार्प नहीं हुई, आप कुछ भूल गए हैं या नहीं भूल गए, इस चीज़ का इसमें फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन के अंदर टेस्ट किया जाता है। लेकिन समेटिव के अंदर क्या किया जाता है, टेस्ट नॉलेज टू द कंटेंट, आपको कंटेंट से रिलेटेड आपकी नॉलेज देखी जाती है कि मैंने परसेंटेज पढ़ाया है तो परसेंटेज से रिलेटेड आपको पॉइंट समझ आए या नहीं आए। लेकिन जो आपका फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन है उसके अंदर क्या किया जाता है कि परसेंट से रिलेटेड जो आपने पॉइंट्स गेन किए हैं वो आपको समझने के बाद आपकी मेमोरी कितनी शार्प हुई, आप उसको डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो नहीं कर सकते हो, आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो नहीं कर सकते हो, आप उसको प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हो नहीं कर सकते हो, वो आपका क्या हो गया, फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन के अंदर चेक किया जाएगा। लेकिन समेटिव में क्या किया जाएगा, केवल आपका कंटेंट से रिलेटेड नॉलेज देखी जाएगी, बाकी कुछ नहीं। लेकिन फॉर्मेटिव में आपका इंटरेस्ट, मेमोरी लेवल, शार्पनेस और बाकी चीज़ें, एप्टीट्यूड वगैरह भी देखी जाएंगी। उसके बाद आता है कंटिन्यूज, यानी कि जो हमारा फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन है वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं, कंटिन्यूस प्रोसेस है, कंटिन्यूस रखा गया है। अब कंटिन्यूस क्यों रखा गया है, क्योंकि लगातार फॉर्मेटिव में क्या होता है, लगातार आप इवेल्यूएशन कर सकते हो, लगातार क्या है, टाइम टू टाइम बच्चे का इवेल्यूएशन कर सकते हो, यानी कि सतत प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है। यानी कि एक अगर आपको कोई टॉपिक से रिलेटेड या पूरी बुक आपको पढ़ने के लिए दे दी गई है तो उसमें क्या करोगे आप, बिल्कुल पूरा साल ख़त्म होने के बाद कि सिक्स क्लास में बच्चा है तो सिक्स क्लास के बिल्कुल आखिरी में मार्च अप्रैल में टेस्ट लोगे, तो वो क्या, वो तो नहीं करोगे ना। फिर पूरी बुक का कंटेंट भी ज़्यादा हो गया, बच्चे को क्या पता कुछ समझ आया हो नहीं आया हो, कुछ दिमाग से ही निकल गया हो। लेकिन अगर आप टॉपिक वाइज बच्चे का टेस्ट ले लेंगे और बीच बीच में एक एक सब्जेक्ट का टेस्ट ले लेंगे या एक एक चैप्टर का टेस्ट ले लेंगे तो उससे आपकी, आपके लिए अच्छा होगा कि बच्चे को अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो उसको टाइम टू टाइम क्या है, ठीक कर दी जाए, उसको समझा दी जाए। लेकिन अगर पूरी बुक का कंटेंट इकट्ठा हो गया तो उसको पूरी बुक में से 10 चैप्टर समझ नहीं आए, 5 चैप्टर समझ नहीं आए, तब क्या करेगा, इतनी जल्दी तो आप फिर उसको रेमिडियल नहीं दे सकते, इतनी जल्दी आप पूरे 5 चैप्टर नहीं समझा सकते, फिर उसके लिए ज़्यादा टाइम चाहिए, फिर बच्चा अगर उन पर ज़्यादा फोकस हो जाएगा तो पिछला भूल जाएगा। तो इसीलिए अगर आप फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम बच्चे को रेमिडियल देते हुए चलें, टाइम टू टाइम उसको कंटिन्यूस उसको फीडबैक देते हुए चलें तो वो बच्चे के लिए हेल्पफुल होते हैं, तो ठीक है। फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन में क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी कि आप एक सतत प्रक्रिया में उसको टाइम टू टाइम इवेल्यूएट करते हुए चलते हो। और समेटिव में क्या है, नॉन कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसके अंदर क्या है, आप एट लास्ट ही पूरा चेक करते हो कि बच्चे को इससे रिलेटेड आया या नहीं आया, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लास्ट पॉइंट, एज अ प्रोसेस है, मतलब फॉर्मेटिव क्या है, एक प्रक्रिया के रूप में है, फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन क्या है आपका, एक प्रक्रिया के रूप में, एक प्रक्रिया के रूप में क्या है कि आपने कुछ पढ़ाया उसको इवेल्यूएट कर लिया, कुछ नहीं समझ आया उसको पढ़ा दिया देन उसको इवेल्यूएट कर लिया, फिर कुछ पढ़ाया फिर इवेल्यूएट कर लिया, तो आपने ऐसे ही क्या है एक दूसरे को कोरिलेट करते हुए एक प्रक्रिया के रूप में लेकर चल रहे हो। लेकिन समेटिव जो है आपका एज अ प्रोडक्ट है, मतलब उसके अंदर आपने जो पढ़ाया लास्ट में जाके उसने कितना सीखा कितना नहीं सीखा आपको ये चीज़ पता लगानी है, तो यानी कि एज अ प्रोडक्ट आप समेटिव इवेल्यूएशन को यूज़ करते हो कि समेटिव इवेल्यूएशन में
एज अ प्रोडक्ट बच्चा किस रूप में है, कि उसको ये चीज़ समझ आई या नहीं आई, ठीक है। लेकिन एज अ प्रोसेस में आप क्या करोगे कि जो प्रक्रिया चल रही है, बच्चे ने जो अचीव किया उसको अपनी लाइफ से कैसे रिलेट किया, उसको अपने लिए कैसे यूज़फुल बनाया और बाकी सारी चीज़ें क्या है इसके अंदर देखी जाती हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे टाइप ऑफ इवेल्यूएशन, 3 टाइप के थे, फॉर्मेटिव, समेटिव और डायग्नोस्टिक, ठीक है। फॉर्मेटिव में क्या है, फॉर्मेटिव को सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, यूज़फुल माना जाता है, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम फीडबैक मिलता जाता है, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है और बच्चे की केवल कंटेंट नॉलेज नहीं देखी जाती, एजुकेशनल नॉलेज नहीं देखी जाती है, उससे अलग बच्चे की नॉन एजुकेशनल नॉलेज भी चेक करी जाती है कि बच्चा डिबेट में कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, स्पोर्ट्स में कितना एक्टिव है और बाकी किस किस चीज़ फील्ड में एक्टिव है, मेडल लेकर आ रहा है नहीं आ रहा, डांस सिंगिंग में कितना अच्छा है, क्रिएटिविटीज़ में कितना अच्छा है, उसके अंदर एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें कितना अच्छा है, बच्चे के अंदर क्या एक्स्ट्रा एबिलिटीज़ है, वो सारी क्या है फॉर्मेटिव में देखी जाती है। और समेटिव में क्या है, सिर्फ आपको बुक्स रिलेटेड नॉलेज देखी जाती है कि बुकिश लैंग्वेज या बुकिश नॉलेज दी जाती है कि आपको पूरे साल के अंदर ये 10 बुक्स पढ़नी है तो 10 बुक्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए, बाकी अदर आपके अंदर कोई डेवलपमेंट हो ना हो, आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो ना हो, सिंगिंग डांसिंग म्यूज़िक और डिबेट्स वगैरह बाकी अदर नॉलेज हो ना हो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इतना मतलब है कि आपको जो बुक का कंटेंट दिया जा रहा है, बुकिश नॉलेज दी जा रही है, आपको उसका ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट था इसमें डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन, इसके अंदर क्या करना है कि बच्चे को डायग्नोस करना है कि बच्चे को जो भी बुक कंटेंट से रिलेटेड नॉलेज दी जा रही है या फिर उसकी बाकी अचीवमेंट से रिलेटेड नॉलेज है, बाकी एक्स्ट्रा करिकुलम से रिलेटेड नॉलेज है, तो उसमें बच्चों को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो आपको डायग्नोस करना है पहले, कि फिर उसको रेमिडियल देना है कि बच्चे आपको यहाँ प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस वे में इसको क्या है शॉर्ट आउट कर सकते हो या इस वे में इसको आगे अच्छे के लिए करके रख सकते हो, अपने आगे आने वाले फ्यूचर के लिए आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये वाला इवैल्यूएशन का टाइप यहीं पे फिनिश होते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वाला करेंगे। थैंक यू।